नगर परिषद उपाध्यक्ष जियाउल हक टारजन ने कोटा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के नगर परिषद में भ्रष्टाचार वाले बयान का पलटवार करते हुए कहा कि वे जिससे जांच कराना चाहे करा ले। चोर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली हिसाब है। माननीय सांसद महोदय के द्वारा नगर पालिका को भ्रष्टाचार में डूबा हुआ एक संस्था बताते हुए उन्होंने इंक्वायरी का डिमांड किया है। मैं नगर पार्षद बोर्ड की ओर से माननीय सांसद महोदय से आग्रह होगा कि आप निश्चित रूप से इसका लगभग दो टर्म का जांच निश्चित रूप से आप करवा लें। आपको पता चल जाएगा भ्रष्टाचार किसके कार्यकाल में हुआ है और वो लोग कौन हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार का काम किया है। वर्तमान में जो बोर्ड चल रहा है यह पूरी तरह गरीबों का बोर्ड है। हाँ, निश्चित रूप से आप जो भाई भतीजावाद कहते हो, आने वाले सभी गरीब गुरबा लोग यहाँ आते हैं। आपके सरकार में, आपकी जो सरकार या तो केंद्र में हो या तो राज्य में जो सरकारें चल रही है, वहाँ ठेकेदार जा सकते हैं, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, खोमचा वाले नहीं जा सकते हैं। और नगर पालिका में ये खोमचा वाले, ऑटो वाले, टोटो वाले आते हैं जो मेरे परिवार के सदस्य हैं। निश्चित रूप से अगर आप उसे भाई भतीजा कहते हो तो वहाँ वो हमारे भाई भतीजे लोग आते हैं। नगर पालिका से छोटी छोटी योजनाएँ उनको मिलती है। आपकी जो बड़ी योजनाएँ हैं वो बड़े बड़े कंपनियाँ लेके चले जाते हैं। आप वहाँ से आपका क्या लस है वो आप समझ सकते हैं। मैं तो आप पर उंगली नहीं उठा सकता हूँ। मैं एक छोटा सा संस्था का, छोटा सा संस्थान का एक छोटा सा जनप्रतिनिधि हूँ, परंतु मुझे अपने कर्तव्यों पर पूरा विश्वास है और मुझे अपनी कर्तव्य को कैसे निर्वहन करना है मुझे भली भांति आता है। और भ्रष्टाचार मिटाने का दावा तो आपकी सरकार ने की थी और लग रहा है कि अगर भ्रष्टाचार हो रही है तो निश्चित रूप से आपकी सरकार फेल्योर है। भ्रष्टाचार आपकी सरकार में बढ़ा है, बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है। लेकिन पुनः मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप अपने वचन पर अडिग रहें और जांच निश्चित रूप से कराएं। ये भी देख लेना ही पड़ेगा आखिर भ्रष्टाचार हो कहाँ रहा है और कौन लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लुप्त हैं। धन्यवाद।